हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामर के चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स में हमने ग्रुप बनाए थे, डॉक्टर, पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। उसके हमने ग्रुप बनाए थे, उसमें डॉक्टर, लेडी, क्लोन, स्कूल, हॉस्पिटल, बीच और एनिमल के ग्रुप में माउस, पीकॉक, बी, थिंग्स के ग्रुप में चेयर, बुक और शेल। ये बाइफर्केशन हमने किया था। आज हम मोर नेमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड्स में इसमें ये पिक्चर हम लोग को दिया हुआ है, ये पिक्चर को हम लोग को ऑब्जर्व करना है और नीचे जो भी है उसके नेमिंग वर्ड बनाने हैं। जैसे 1 to 15 वर्ड्स दिए हैं, मैं मिसिंग लेटर आपको लिखने हैं। तो ये सारे नेमिंग वर्ड है, जैसे ट्री, बटरफ्लाई, डस्टबिन, लैम्पो, स्विंग, सीसो, टॉर्टॉइस, ठीक है, स्क्विरल, बटरफ्लाई, ये सारे दिए हुए हैं। ट्री है तो हम लोग इनके नाम लिखेंगे, जैसे पॉन्स, फ्रॉग, ये सारे हमको ऑब्जर्व करके इसके मिसिंग लेटर लिखने हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, SWING, स्विंग। स्विंग मतलब ये झूला, तो ये हो गया SWING, स्विंग। सीसो मतलब ये रहा सीसो, गार्डन में होता है अक्सर सीसो, हमने देखा है, ठीक है। देन बेंच, तो ये रही बेंच, सीसो, स्विंग, सीसो, बेंच। देन डॉग और स्क्विरल, स्क्विरल है और डॉग है, ठीक है बच्चों। ये है डॉग और ये है स्क्विरल। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का स्पेलिंग आएगा BUTTERFLY, बटरफ्लाई। देन लैम्प पोस्ट, तो LAMPPOST, लैम्प पोस्ट, ये रहा लैम्प पोस्ट। देन ग्रास, तो ये छोटी छोटी ग्रास है, तो उसका स्पेलिंग होगा GRASS, ग्रास। देन POND, पॉन्ड, FROG, फ्रॉग, BOY, बॉयज, गर्ल, GIRL, गर्ल। देन ट्रीज, ये सारे रहे ट्रीज, TR, TREES, ट्रीज। देन टॉर्टोइज, TORTOISE, टॉर्टोइज, ठीक है। और ये है डस्टबिन, तो ये रहा डस्टबिन, उसका स्पेलिंग क्या आएगा, DUSTBIN, डस्टबिन, ठीक है बच्चों। तो नेमिंग वर्ड को मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी, आप लोग ध्यान से समझना और इसमें लिखते जाना। SWING, स्विंग, BUTTERFLY, बटरफ्लाई, BOYS, बॉयस, SEE, सॉ, तो सी सॉ, LAMP, लैम्प, POST, पोस्ट, लैम्प पोस्ट, GIRL, गर्ल, BENCH, बेंच, GRASS, ग्रास, TREES, ट्रीज, DOG, डॉग, POND, पॉन्ड, TORTOISE, टॉर्टॉइस, SQUIRREL, स्क्विरल, FROG, फ्रॉग, एंड DUSTBIN, डस्टबिन। तो ये हो गए हमारे नेमिंग वर्ड के मिसिंग लेटर कंप्लीट। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8, डेज ऑफ वीक। तो हमारे डेज होते हैं जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वीक में 7 डेज होते हैं। तो क्या पूछा है, डेज ऑफ वीक, यहाँ पे डेज ऑफ वीक दिए गए हैं। देर आर 7 डेज इन वीक, कितने दिन होते हैं वीक में, वीक मतलब हफ्ता, हफ्ते में कितने दिन होते हैं। देर आर 7 डेज इन अ वीक, तो 7 डेज होते हैं वीक में। ईच डेज हैज़ अ नेम, हर एक
डे का अलग अलग नाम रहता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 days ऑफ वीक के नाम है। ये आपको पढ़ने हैं और होमवर्क में 3-3 times लिखने भी है। ओके बच्चों, वर्कबुक में लिख के आने के बाद आपको ये मंडे टू संडे के स्पेलिंग 3-3 times लिखने हैं। तो देर आर 7 days इन अ वीक, ईच डे हैज़ अ नेम। तो आज कौन सा दिन है? यस, तो आज है थर्सडे, आज है वेनसडे। वेनसडे के बाद कौन सा आएगा? थर्सडे। और वेनसडे के बिफोर कौन सा आता था? ट्यूसडे। और ट्यूसडे के आफ्टर कौन सा डे आता है? फ्राइडे। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे जो भी फिलअप्स दी गई है उसके करेक्ट आंसर भी लिखने हैं। तो हम मंडे के स्पेलिंग से स्टार्ट करते हैं, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेनसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे एंड SUNDAY संडे। तो देर आर 7 days इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट डे ऑफ वीक इज संडे। संडे इज अ हॉलीडे। बच्चों को बहुत संडे अच्छा लगता है ना? यस, तो संडे फ्री डे रहता है। ओके, हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, स्कूल जाना नहीं पड़ता है। तो बच्चों को संडे बहुत पसंद है ना बच्चों? यस, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, राइट द करेक्ट नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। इसको क्या बोलते हैं? डेज ऑफ वीक इन द ब्लैंक। ब्लैंक दी गई है, उसमें डेज ऑफ वीक के नेम लिखने हैं। फर्स्ट है, डेस इज माय फेवरेट डे। डेस इज माय फेवरेट डे, विच इज़ योर फेवरेट डे? कौन सा दिन आपका सबसे फेवरेट है? संडे। यस, आपको संडे अच्छा लगता है? यस, संडे इज द फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी। तो संडे इज माय फेवरेट डे। संडे का स्पेलिंग लिखेंगे SUNDAY संडे। देन सेकंड नंबर, डेस इज द डे आफ्टर फ्राइडे। डे आफ्टर फ्राइडे, आफ्टर मतलब बाद में। कौन सा दिन आता है फ्राइडे के बाद में? तो फ्राइडे के बाद में कौन सा दिन आता है? यस, फ्राइडे के बाद में सैटरडे आता है। तो सैटरडे इज द डे आफ्टर फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे, SATURDAY सैटरडे इज द डे आफ्टर फ्राइडे। देन थर्ड वन, डैश इज द डे बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे के आफ्टर था, अब ये क्या पूछा है? फ्राइडे के बिफोर। बिफोर मतलब उसके पहले। फ्राइडे के पहले कौन सा दिन आया था? यस, थर्सडे आता है। तो थर्सडे इज द डे बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे के आफ्टर मतलब यहाँ नीचे वाला डे देखना है, और फ्राइडे के बिफोर मतलब ऊपर वाला डे देखना है। ठीक है बच्चों? तो डेस इज द डे बिफोर फ्राइडे। तो फ्राइडे के बिफोर कौन सा डे आया? यस, थर्सडे इज द डे बिफोर फ्राइडे, THURSDAY थर्सडे इज द डे बिफोर फ्राइडे। समझ में आया बच्चों? आफ्टर और बिफोर का, आफ्टर मीन्स फ्राइडे के बाद में देखेंगे, बिफोर मतलब ऊपर देखेंगे प्रीवियस डे पे। ठीक है बच्चों? 4 है, द लास्ट डे ऑफ वीक इज डैश। लास्ट डे ऑफ वीक, दिस इज द लास्ट डे ऑफ वीक। कौन सा है लास्ट डे ऑफ वीक? यस, द लास्ट डे ऑफ वीक इज संडे। संडे वीक का सबसे लास्ट दिन है। तो क्या आएगा? SUNDAY संडे। संडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक। देन फिफ्थ नंबर, द डे दैट कम्स बिटवीन मंडे एंड थर्सडे आर डैश एंड डैश। क्या दिया है? द डे दैट कम बिटवीन, बिटवीन मतलब मिडल में। तो मिडल में मंडे और थर्सडे के मिडल में डैश और डैश दिन आते हैं। तो मंडे और थर्सडे, इसके मिडल में कौन से दिन आते हैं? यस, दिस 2 days आर कमिंग इन बिटवीन ऑफ मंडे एंड थर्सडे। तो ये 2 दिन के
मंडे और थर्सडे के बिटवीन कौन से डे आते हैं? यस, ट्यूसडे एंड वेनसडे। तो ट्यूसडे एंड वेनसडे यहाँ पे हम लिखेंगे द डेज दैट केम बिटवीन मंडे एंड थर्सडे आर ट्यूसडे एंड वेनसडे। ट्यूसडे का स्पेलिंग TUESDAY, ट्यूसडे WEDNESDAY, वेनसडे। तो द डे दैट कम बिटवीन मंडे एंड थर्सडे आर ट्यूसडे एंड वेनसडे। यहाँ पे डेज ऑफ वीक हमारा चैप्टर पेज नंबर 13 पे ख़त्म हुआ और हम नेक्स्ट देखेंगे 9 चैप्टर अगले पीरियड में। तो इसका आपको होमवर्क लगाना है और रीडिंग भी लगानी है। ये मिसिंग लेटर आपको नोटबुक में लिखने हैं और वर्कबुक नहीं होगी तो नोटबुक में 2 टाइम लिखने हैं और वरना नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं। और डेज ऑफ वीक भी आपको वर्कबुक में और नोटबुक में एक एक बार लिखने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।